मेरे पापा और जलेबी। पापा को जलेबियों का बड़ा शौक था। मम्मी उन्हें जितना भी मना करती वो फिर भी जलेबी खाते। कभी देश की आज़ादी का बहाना होता तो कभी मैच जीतने का बहाना होता। पर जो पूरी दुनिया को डरा दे उसे सिर्फ मेरी माँ डरा सकती थी। सिर्फ एक नज़र में पापा की जलेबी कम करवा देती थी। कभी कभी मुझे बोलते, बेटा आज चलेगा क्या? मैं बोलता, कहाँ पापा? तो बोलते, गुड़ वाली जलेबी खाने। माँ को मत बताना, बस थोड़ी सी खाऊंगा। चल तू देख लेना और जो बोलेगा मैं खिला दूंगा। ऐसा लगता था मानो पापा ने जलेबी से शादी की हो। जब मम्मी से रूठ जाते तो जलेबी खाने चले जाते। पर माँ की चील सी निगाहों से कुछ छुपता कहाँ। बस वो पापा को खुश देखकर कभी कभी इग्नोर कर देती कि जाने दो। कभी कभी चलता है सब। जिस दिन मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट आया, मेरी गली में हर किसी का टाइम पर रिजल्ट आया। सिर्फ मेरा रिजल्ट शाम के 5 बजे आया, क्योंकि पापा ऑफिस से आते समय मेरा रिजल्ट देखे और सबका मुंह मीठा करने के लिए दही जलेबी लाने की वजह से देर घर पहुंचे। मैंने एक दिन पूछा उनसे, आपको जलेबी इतनी पसंद क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो दूसरी मिठाई में नहीं है? तो पापा बोले कि मैं इस गोल गोल उलझी हुई जलेबी को समझ सकता हूँ पर तेरी माँ को नहीं। मैं जोर से हंसा और बोला, पापा मजाक छोड़ो और सच बताओ। तो बोले, कभी देखा है जलेबी को ध्यान से? बाहर से जितनी सख्त, अंदर से उतनी मिठास से भरी हुई। तुम भी बड़े होकर जलेबी जैसा बनना, बाहर से सख्त और अंदर मिठास से भरा हुआ।